हेलो जी, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं लेके आया हूं गगन देसी तड़का। भाई तड़का लगेगा देसी, रेसिपीज बनेंगी सिंपल, ऐसी जो आप अपने घर पे बना सके बिल्कुल सरल तरीके से, और वो भी एकदम चटाकेदार वाली। भाई ये रेसिपी जो बना रहा हूं ये है पनीर टिक्का। इसमें कुछ ऐसा डलेगा जो आप घर पे बनाएंगे ना, आपको मिलेगा रेस्टोरेंट वाला स्वाद और आपका परिवार बोलेगा भाई क्या बात है, मजा आ गया। तो चलिए आपको बताता हूं कैसे बनाएंगे पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक मिश्रण बनाना है बेसन का, और बेसन भूनना है। और बेसन भूनेंगे किसमें? बेसन भूनेंगे हम गगन का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, जिसमें एक्टिव फोर बेनिफिट्स है, और ये एकदम जबरदस्त तेल है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और 2 से 3 बड़े चम्मच कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल यूज करें, और ये जैसे ही गर्म होता है इसमें हम डालेंगे अजवाइन 1 छोटा चम्मच। तेल जैसे ही गर्म होता है और अजवाइन थोड़ी सी भूनती है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन के डाल लेंगे, और बेसन को हल्का सा भूनना है। और यहां पे आपने ध्यान रखना है कि घर पे गैस एकदम धीमे आंच पे, ठीक है? ये लीजिए, अब ये इंडक्शन मैं अपना बंद कर लूंगा, घर पे भी आप अपना गैस बंद कर लीजिए, और बेसन की हल्की सी खुशबू आएगी तब समझ जाइए बेसन तैयार है। शुरुआत में तेल भूनने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, बेसन भूनने में 1.5 मिनट लगेगा। और जब बेसन भून जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल दें। कलर देखिए अचानक से बढ़िया गोल्डन येलो हो जाता है, ठीक है? अब इसको हीट से हटा लेते हैं, इसे मैं कांच के बोल में निकाल लेता हूँ। ये लीजिए, मैं सारा का सारा निकाल लेता हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें डाल लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लीजिए मसाले, ये बहुत ज़रूरी है, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल देसी है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 2 छोटे चम्मच डाल रहा हूं, ठीक है? और कूटी हुई काली मिर्च, ये बड़े मजेदार होती है, 1/2 छोटा चम्मच डाल लें, ठीक है जी? ये सारी चीजें हो गई। अब कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच लें, इसको इस तरह से क्रश करके डाल लें, और दही 3 बड़े चम्मच, नींबू का रस ये डाल लेते हैं, 1/2 नींबू का रस, ठीक है जी? और इसके साथ साथ मेरा बिल्कुल नमक वाला अंदाज अलग होता है, और ये देखिए मेरा बिल्कुल नमक जो अंदाज है ना वो मज़ेदार है, देसी है, और देसी तरीके से नमक डालें, जितने की आवश्यकता है ना उतना ही नमक डालें, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा हो गया है बढ़िया मिश्रण मैरिनेड पनीर के लिए, ठीक है जी? अब इसमें मैं यूज कर रहा हूं गगन का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, तो 2 बड़े चम्मच गगन का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल डालें। खाओ गगन, रहो मगन जी। अब ये जो कच्चा तेल होगा ना, इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग कर देगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है? अब हमारा मैरिनेट तैयार है, बोल को मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है जी? हमें पनीर काटना है, उसके लिए 250 ग्राम मलाई पनीर ले लेते हैं, और घर पे भी आपने जब काटना है ना बिल्कुल ध्यान से काटना है ताकि वेस्टेज कम हो, ठीक है जी? इस तरह के क्यूब्स ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। पनीर टिक्का के लिए मैंने पनीर काट लिया है, और ये पनीर ले लेते हैं, मैरिनेट में डाल देते हैं, ये लीजिए, और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, ठीक है जी? बिल्कुल हल्के हाथ से। अब इसमें कैप्सिकम 1 छोटा वाला ले लें, हरा वाला वो ले लें, ये इस तरह से क्यूब्स काट लें, और उसी तरह से प्याज के ऐसे क्यूब्स काट लें, ठीक है जी? ये लीजिए, और 1-1 पत्ती आपने प्याज की अलग कर देनी, और 1 टमाटर बड़ा वाला ले लें, उसके भी इस तरह से क्यूब्स काट लें, ये देखिए अंदर का जो पल्प होता है वो निकाल लें, और ये इस तरह से क्यूब्स काट लें। अब हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है, अब पनीर बिल्कुल बढ़िया तैयार है, इसे मैं यहां रख लेता हूं और एक ग्रिल पैन ले लेता हूं। मैं यहां पे ग्रिल पैन में बना रहा हूं, आप घर पे
रेगुलर तवे में बना सकते हैं, फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, घर पे ओटीजी है उसमें बना सकते हैं 220 डिग्री पे लगभग 10 से 12 मिनट। ठीक है जी, ओवन है 220 डिग्री फिर से 10 से 12 मिनट, लेकिन मैं घर वालों के लिए ये बना रहा हूँ बढ़िया ग्रिल पैन में। नेक्स्ट स्टेप, ऐसे मेरे पास अच्छे वाले स्क्यूअर्स है, लेकिन आप जो है ना रेगुलर स्क्यूअर मिलते हैं वो ले लें, और पनीर को हमने पिरोना, ठीक है, ये इस तरह से लें, ये कैप्सिकम को मैरिनेट में मिलाएं, प्याज को भी ये इस तरह से मैरिनेट में मिलाएं, टमाटर अच्छे से ये लीजिए ये डाल लें, और एक बढ़िया पनीर टिक्का का क्यूब ले लें। तो ऐसे ही पनीर के टिक्के हम पिरो के बना लेते हैं, और बाकी पनीर टिक्कों को भी मैं पिरो लेता हूं। अब ग्रिल पैन में थोड़ा सा गगन का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं। खाओ गगन रहो मगन, लो जी। अब पनीर के टिक्के इस पे लगा देते हैं। और सब तरफ से अच्छे से ग्रिल कर लेना है। तो जी पनीर टिक्का मेरा बिल्कुल तैयार है। परोसने के लिए मेरा अंदाज भी बिल्कुल देसी है। उसके लिए ये लीजिए मैंने बढ़िया तवा रखा है। तवे को थोड़ा सजा लेते हैं। ये लीजिए थोड़ा सा प्याज मैंने काट के रखा है, बिल्कुल सिरके वाला प्याज है। इसमें हरी मिर्चें, हरी मिर्चें हमें चाहिए होती, ठीक है ना। नींबू ये रख लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ये भी रख लेते हैं, और पनीर टिक्का ये देखिए, वाह क्या बात है ना, बढ़िया मज़ेदार एकदम। इसे मैं निकाल के यहां रख लेता हूं, ये लीजिए। और इस पे कुछ पंजाबी वाली चीजें होनी चाहिए, हम सबको चटाकेदार चीजें पसंद है, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च ये लीजिए, और थोड़ा सा चाट मसाला ये लीजिए, और हरी चटनी, एकदम कंप्लीट है जी ये डिश, बिल्कुल मजेदार है और भाई चटाकेदार है। तो ये थी आज की गगन देसी तड़का वाली रेसिपी। खाओ गगन रहो मगन।